अयोध्या में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते हैं, वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि जब टिकट आपको मिला था अयोध्या का, उस समय इतना विश्वास था कि आप जीत जाएंगे इस सीट से? हंड्रेड वन परसेंट, अगर 100 से ज्यादा भी कुछ होता है तो उसको लगा लीजिए। जब मुझे उन्होंने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने टिकट दिया और टिकट की घोषणा बहुत पहले किया, 1-6 महीने पहले टिकट की जैसे घोषणा की तो लोगों में खुशियों की लहर हो गई। यहाँ तक कि जहाँ मैं 7 बार करीब करीब लगातार चुनाव जीता था, सोहल विधानसभा क्षेत्र और अब उसका नाम होगा विधानसभा मीकापुर, वहाँ न जाने कितने लोगों ने मिठाइयाँ बांटी, न जाने कितने लोगों ने गोले लगाए और खुशियाँ और डांस किया। लोगों में खुशी की लहर हो गई कि भाई मंत्री जो 7 बार यहाँ जीते थे, मंत्री रहे हैं, बड़ी नौकरी उनके राज में मिली है, फिर मंत्री जी आ रहे हैं, तो उनमें खुशी आई है। तो उसी समय से ही चर्चा हो गई कि माननीय मंत्री जी जब फिर आएंगे तो मैं मंत्री तो इस समय नहीं हूँ, और तो लोगों को उम्मीद थी, मुझ पर विश्वास था और खुशी की लहर थी। तो ये लोगों पर, अवधेश जी, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और उनके जितने भी समर्थक हैं, वो सब कह रहे हैं कि राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका रही, अयोध्या नगरी का पूरा विकास बीजेपी ने किया और यहाँ से वही पार्टी हार गई, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? देखिए, सो फार एज मंदिर कंस्ट्रक्शन का सवाल है, ये बीजेपी ने नहीं बनवाया है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से बना है। आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, जब हमारे नेता आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी थे, तो उन्होंने साफ साफ कहा था देश को कि राम मंदिर अयोध्या में बने, सोने का मंदिर बने, लेकिन आपसी समझौता से बने या न्यायालय के आदेश से। उसके बाद श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उनके सामने भी सवाल आया मंदिर का, तो उन्होंने कहा कि मंदिर आपसी समझौते से बने या न्यायालय के आदेश से बने, और न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंदिर बनवाने का निर्देश आदेश दिया। कोई भी सरकार इस देश में होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करना ही करना पड़ता, मंदिर बनता। तो ये तो झूठ मूठ का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन देश तो अच्छी तरह से जानता है। तो इन्होंने, और जहां तक विकास का सवाल है, नहीं देखिए, एक तरफ आप सीधे तौर पर ये भी समझेंगे ना कि समाजवादी पार्टी को रामद्रोही कहा जा रहा था बीजेपी की तरफ से, और वो उस दौर की याद दिलाते हैं जब कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। नो, वो मुद्दा राख हो गया है, ये मुद्दा कुछ चला नहीं है, उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। उसके बाद भी हमारी सरकार बनी, माननीय नेताजी 93 में और सरकार बनी 89 में बनी, उसके बाद हमारी सरकार बनी है, राज्य में 4-4 बार सरकार बनी है। हाँ, वो मुद्दा राख हो गया, वो मुद्दा नहीं चला। चलिए, बहुत बड़ी जीत है आपकी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।